नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम रेडियस ऑफ सिलेंडर को इंक्रीज करते हैं 40% और उसकी हाइट को डिक्रीज करते हैं 37 1/2%, तो बताना है कि उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। पहले देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 37 1/2% का मतलब कितना होता है, 3/8। अब बेसिकली हमें करना क्या है, जिसकी जितनी पावर है उसे उतनी टाइम्स लिखना है। सपोज़ हमारी जो रेडियस है वो 40 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है 40%, तो पहले कितनी थी, 5, इंक्रीज़ हुई है 2 टाइम्स, है ना। तो अब कितनी हो गई, पहले 5 थी अब 7 हो गई, और रेडियस कितनी बार है, 2 बार है, कॉन्स्टेंट को हटा देंगे तो 5 से 7 हो गई। और हाइट क्या है, 3/8 टाइम्स क्या हो गई, कम हो गई, पहले 8 थी अब कितनी हो गई, 3 माइनस, तो 5 हो गई। तो ये आ गई 8 से 5 हो गई। अब पुराने वाली आपकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 200, नई वाली कितनी आ जाएगी, 245। अब कितना चेंज आया इनमें, 45 का चेंज आया, 45 किस पे, 200 में से इनटू 100, तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5%। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बाय सेलिंग अ पेंसिल फॉर रेट 76, देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 52%। अगर एक पेंसिल को हम सोल्ड करेंगे 76 रुपीज़ में, तो प्रॉफिट होगा 52% का। अगर उसी पेंसिल को हम सेव सोल्ड करेंगे 75 रुपीज़ में, तो बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। हमने CP मान लिया 100% है, 76 रुपीज़ में सेल किया है उसे, तो वो उसका सेलिंग प्राइस होगा 100, क्या है हमारा CP है, और 52% का प्रॉफिट हुआ है उसे सेल करने के बाद। तो 100 + 52 कितना आ गया, 152, तो 152 क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब रेशो ले लेंगे 76 का और 75 का, इसे रेशो मेथड से करेंगे हम, 76 रेशो 75। अब 76 की वैल्यू पता है हमें कि 76 किसके इक्वल है, 152% के, बिकॉज ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 2% आ जाएगी, तो एक यूनिट किसके इक्वल है, 2% के। तो 75 यूनिट किसके इक्वल होगा, 75 यूनिट इक्वल होगा 150% के। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो 100 तो क्या हो गया, CP हो गया। अब 150 माइनस 100 कितना आ गया, 50, तो कितना प्रॉफिट होगा, 50% का प्रॉफिट होगा अगर वो पेंसिल को सेल करते हैं 75 रुपीज़ में।